फ्रेंड सागर क्लासेस, स्वागत है आपका सागर क्लास में। दोस्तों इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास एट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम क्या है दोस्तों, लाइट। क्या नाम है? लाइट। तो सबसे पहले चैनल की स्टार्ट करते हैं जो टॉपिक की, तो ये हमारा टॉपिक क्या है, लाइट। व्हाट इज लाइट, व्हाट इज लाइट। लाइट हम लोग सुनते हैं दोस्तों, ये बल्ब जो लाइट दे रही है भी लाइट है, या लाइट क्या है? तो लाइट एक मीडियम है। लाइट क्या है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो लाइट क्या है, मीडियम है जो हमें ऑब्जेक्ट को क्या करता है, विजुअलाइज कराता है। क्या कराता है? विजुअलाइज कराता है। अब ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये जो बोर्ड है आपको दिखाई दे रही है, या आप जिस चीज को देख रहे हैं, कब? जब इसका लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपके आंखों पर आता है। हम एक काम करते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं, हम एक अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? तो आंखों के बंद करने के बाद हमारे सामने क्या आ जाता है? अंधेरा छा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे आंखों तक कोई लाइट नहीं आती है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, लाइट है क्या? तो लाइट एक मीडियम है। लाइट क्या है? मीडियम है। मीडियम है जो ऑब्जेक्ट को क्या करता है, विजुअलाइज कराता है। लाइट अगर थोड़ी सी और डीप लैंग्वेज की बात करें या साइंटिफिक में बात करें, तो जो लाइट होता है कॉम्बिनेशन ऑफ फोटोन पार्टिकल। क्या होता है? एक फोटोन एक पार्टिकल होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, वैसे ही एक पार्टिकल हमारा क्या होता है, फोटोन होता है। क्या होता है? इन्हीं फोटोन पार्टिकल का एक ये बहुत क्या बड़ा क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। तो लाइट को हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन या पैकेज ऑफ फोटोन पार्टिकल, पैकेज ऑफ फोटोन पार्टिकल। यही फोटोन पार्टिकल होते हैं जो क्या करते हैं, एक दूसरे को इतने हाईली वेवलेट से धक्का देते रहते हैं, जिसके कारण लाइट की स्पीड क्या होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लाइट की क्या होती है दोस्तों, स्पीड होती है। क्या होती है? स्पीड होती है। ये हुई लाइट के बारे में कुछ विशेष बातें। हम जिस डिपार्टमेंट में लाइट का केवल स्टडी करते हैं, जैसे फिजिक्स के बहुत से डिपार्टमेंट है, फिजिक्स के बहुत से डिपार्टमेंट है, हम इलेक्ट्रिसिटी में केवल इलेक्ट्रिक चीज़ें का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार थर्मोडायनेमिक्स में जैसे केवल हीट का स्टडी करते हैं, तो लाइट के लिए कौन सा डिपार्टमेंट बनाया गया है, ऑप्टिक्स। क्या बनाया गया है? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होता है दोस्तों, फिजिक्स का एक डिपार्टमेंट है, फिजिक्स का एक, जिसमें हम केवल ऑप्टिक्स के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में करते हैं? जैसे किसी चश्मे वाले दुकान पर देखते हैं तो क्या लिखा रहता है, ये ऑप्टिकल्स, रमा ऑप्टिकल, श्याम ऑप्टिकल। ऑप्टिकल्स मतलब वहाँ लाइट का काम होगा, कोई चश्मे उसमें ये सारे लाइट की रिफ्लेक्शन पर ही तो वर्क करते हैं। तो जिस डिपार्टमेंट में फिजिक्स के, जिस डिपार्टमेंट में हम क्या करते हैं, लाइट का स्टडी करते हैं, वनली टू वनली लाइट का स्टडी करते हैं, उसे क्या कहते हैं, ऑप्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल्स कहते हैं। चलिए दोस्तों अपने चैप्टर की जो बात करते हैं, तो क्लास एट में हमें जो चैप्टर पढ़ना है लाइट का, वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे बेस है। यह हमें मेनली क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है, एंड इसके एप्लीकेशंस को देखना है, कहाँ कहाँ ये अप्लाई होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है। लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के लॉज को समझने से पहले, लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के लॉ को समझने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक टर्म को जानेंगे, तभी हम क्या कर सकते हैं, एक स्मूथ वे में लाइट के रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हम समझ सकते हैं। तो लाइट के रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हम सबसे पहले कोई टॉपिक समझते हैं, तो क्या समझते हैं, एक रेज को और एक, हम लाइट के रिफ्लेक्शन समझने की सबसे पहले हम एक प्लेन मिरर को लेते हैं। किसको लेते हैं? प्लेन मिरर को लेते हैं। जैसे मिरर का क्या है दोस्तों, सरफेस है। तो लाइट का अगर रिफ्लेक्शन की बात करें, तो पहला वर्ड आता है, क्या आता है, इंसिडेंट रे। क्या दोस्तों? इंसिडेंट रे। ये जो होता है इसको हम लोग कहेंगे इंसिडेंट पॉइंट। क्या कहेंगे? इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट इंसिडेंट पॉइंट। चलिए दोस्तों बात करते हैं, इंसिडेंट रे क्या होता है। तो वैसा रे, लाइट का वो रे जो ऑब्जेक्ट के सरफेस से आके टच करता है, टकराता है या फॉल ऑफ होता है। विच रेज फॉल ऑन सरफेस, मिरर सरफेस या सरफेस, विच रेज फॉल ऑन सरफेस। जो रेज सरफेस किससे आकर टच करता है या सरफेस पे आके गिरता है, उस रेज को कौन सा रेज कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। कौन सा रेज कहते हैं? इंसिडेंट रे कहते हैं। इंसिडेंट रे सरफेस पे के जिस पॉइंट पे आके टच करता है, इंसिडेंट रे सरफेस के जिस पॉइंट पे आके टच करता है, उसे क्या कहते हैं, इंसिडेंट पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। इंसिडेंट रे सरफेस के
जिस पॉइंट पे आकर टच करता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। वो रे जो सरफेस पे आकर क्या होती है, टच करती है, क्या करती है, टच करती है या फॉल ऑन होती है, उस रे को कौन सा रे कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं, जो रे सरफेस पे आकर टच होगी या फॉल ऑन होगी उसे कौन सा रे कहेंगे, इंसिडेंट रे कहेंगे। इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर आकर टच होगी, सरफेस के जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे आकर टच होती है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, इंसिडेंट पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, अब ये रे सरफेस से आकर टच होती है, इंसिडेंट रे सरफेस से आकर क्या होती है, टच होने के बाद ये सरफेस वापस क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्या हो जाती है, तो इसे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। क्या रे, कौन सा रे कहते हैं, वैस विच रे रिफ्लेक्टेड ऑन सरफेस, वैसा रे या वो रे जो सरफेस से क्या हो, रिफ्लेक्ट हो, सरफेस से क्या हो, रिफ्लेक्ट हो, उसे कौन सा रे कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। क्या कहेंगे हम, तो दो प्रकार के रे अब हम समझ रहे हैं, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट रे। इंसिडेंट रे क्या होता है, वैसा रे जो सरफेस पे आके क्या होता है, ऑन होता है या गिरता है या टच होता है, उस रे को क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। इंसिडेंट रे सरफेस के जिस पॉइंट पे आके टच होता है उसे क्या कहते हैं, इंसिडेंट पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। सरफेस से जो रे रिफ्लेक्ट होता है, सरफेस से जो रे रिफ्लेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। क्या कहते हैं, अब हमारे पास दो और टॉपिक बचते हैं, तीन और टॉपिक बचते हैं। ये टॉपिक क्या है दोस्तों, ये जो डॉटेड लाइन से आपको दिख रहा है ये क्या है, नॉर्मल है। क्या है, नॉर्मल है। तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो परपेंडिकुलर डाला जाता है, जो क्या डाला जाता है, परपेंडिकुलर डाला जाता है, उसी को क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट रे के बीच में जो परपेंडिकुलर होता है, ये क्या है दोस्तों, 90 डिग्री के एंगल पे परपेंडिकुलर बनाया गया है। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट रे के बीच में जो परपेंडिकुलर डाला जाता है उसे क्या कहते हैं, हम नॉर्मल कहते हैं। और ये तीनों के तीनों, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, जिस पॉइंट पे मीट होते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसिडेंट पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। अब बात करते हैं दो एंगल, एक है एंगल आई, एक है एंगल आर। एंगल आई को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं और एंगल आर को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, तो नॉर्मल ये है दोस्तों, क्या नॉर्मल, ये है दोस्तों क्या नॉर्मल। क्या होता है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में डाला गया परपेंडिकुलर, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो डाला गया परपेंडिकुलर होता है उसी को नॉर्मल कहते हैं। तो वैसा एंगल जो किनके किनके बीच में बनता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उस एंगल को क्या कहते हैं हम, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। तो या वैसा एंगल जो किनके बीच में बने, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, या नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं, इंसिडेंट एंगल कहते हैं। ठीक उसी प्रकार ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा और ये है नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट्स को हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को किससे डिनोट करते हैं, आर। इतने टर्म जो दोस्तों क्या होते हैं, लाइट के रिफ्लेक्शन में हमको यूज करने पड़ेंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, इंसिडेंट रे क्या है, वैसा रे या विच रे फॉल ऑन सरफेस, जो रे सरफेस पे क्या होती है, फॉल ऑन होती है, टच होती है, उस रे को कौन सा रे कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। सरफेस के जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे आके टच करती है उसे कौन सा पॉइंट कहते हैं, इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। जो रे सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, विच रे रिफ्लेक्टेड ऑन सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, जो रे सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है उसे कौन सा रे कहते हैं। और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो परपेंडिकुलर डाला जाता है उसे क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बने हुए एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी उसको आई से क्या करते हैं, हम डिनोट करते हैं। नॉर्मल और रिफ्लेक्ट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं। और ये तीनों, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, एक पॉइंट पे मीट करते हैं जिसे क्या कहते हैं, इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। बंद कर दो।